नमस्कार। न बने कृषि बिल के खिलाफ लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और आज 13वां दिन है। आपको बता दें कि आज 8 दिसंबर को किसान आंदोलन के द्वारा पूरे भारत को बंद करने का आह्वान किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियां समर्थन कर रही है इस बंद को। जैसे जो भी विरोधी दल हैं वो इस बंदी को समर्थन कर रही है और इस समर्थन में बंदी के समर्थन में सभी पार्टियां उतरी हुई है। अभी हम लोग सिवान के जेपी चौक पर मौजूद हैं और जेपी चौक से दिखाने का प्रयास करेंगे आपको क्या आज बंद का कितना असर है। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि ये दिखाएं, आप देख सकते हैं। हालांकि अमूमन देखा जाता है कि जब बंद होता है तो गाड़ियां भी नहीं चलती हैं, लेकिन गाड़ियां आसानी से आ रही है जा रही है और किसी की तरफ से किसी तरह का दबाव नहीं दिया जा रहा है कि आप गाड़ी बंद कर दीजिए, गाड़ी मत चलाइए। या फिर आप दुकानों को मैं जाऊंगा दिखाने के लिए। अभी ये सामने दुकानें देख रहे हैं, कई दुकानें खुली हुई हैं, हालांकि कई सारे दुकानें बंद भी हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दुकानदार हैं, व्यवसायी वर्ग से हैं और इस बंद को समर्थन कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना दुकान बंद करके रखा हुआ है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना दुकान खोले हुए हैं, तो आपको लगातार हम दिखाने का प्रयास करेंगे और सिवान को अलग अलग जगहों से दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी हम फिलहाल सिवान के जेपी चौक पर मौजूद हैं और यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि आज भारत बंद का कितना असर है। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो लोग यहाँ पे जेपी चौक पर बंद को समर्थन करने पहुँचे, उनसे बात करते हैं। मुखिया जी हैं हमारे साथ, क्या कुछ कहेंगे सर आज? भाई देखिए, वैसे तो मैं पार्टीगत बात नहीं बोलूँगा, लेकिन जो सरकार ने बगैर किसान संगठनों से पूछे हुए जो कानून बनाए हैं, वह जो कानून है किसान विरोधी है और सभी किसान संगठन यह इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि यह कानून वापस होना चाहिए। तो सरकार को इस कानून से पीछे हटना चाहिए, नहीं तो दिन पर दिन यह आंदोलन जो है पूरे देश के पैमाने पर बढ़ रहा है। लगातार भारत में किसान आंदोलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या लग रहा है सरकार को बात समझ में आएगी? बिल्कुल समझ में आएगी। बड़े बड़े तनाशाह लोग किसान मजदूर के आगे घुटना टेक देते हैं, तो ये कौन सी बड़ी सरकार है? इसको भी झुकना होगा और किसानों की बात माननी पड़ेगी। चलिए बिल्कुल, तो आज भारत बंद का समर्थन करने जो लोग पहुंचे हैं उनसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे राजद नेता गब्बर यादव जी, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और अभी ये जेपी चौक पर इस भारत बंद को समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं हाथों में ये तख्ती लिए हुए किसान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे के साथ पहुंचे हुए हैं। गब्बर यादव जी क्या कुछ कहेंगे बताइए। देखिए, ये जो सरकार है एनडीए की, ये बिल्कुल किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, गरीब विरोधी ये सरकार है। और जो किसानों का मांग है, देश के किसानों का जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, इसलिए कि डाटा के अनुसार, केंद्र सरकार के डाटा के अनुसार, जिस तरह से डीजल और पेट्रोल का दाम जब जब बढ़ता है उस तरह से उसकी महंगाई बढ़ती है और उसका रेट तय होता है। लेकिन जब किसान अपने फसल को उपाजेंगे, आलू हो या चावल हो या गेहूँ हो, उसका रेट ये सरकार फिक्स कर देना चाहती है बिल्कुल, तो ये गलत है। उसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी किसान बिल है उसको वापस लिया जाए और नई संशोधन करके किसानों के पक्ष में बिल पास किया जाए। गब्बर यादव जी, लगातार आज 13वां दिन है, किसान आंदोलन पूरे भारत में लगातार चल रहा है, अलग अलग जगहों पे धीरे धीरे इसका रूप प्रकार बढ़ रहा है, तो सरकार क्या लग रहा है समझ पाएगी किसानों का? बिल्कुल सरकार को समझना होगा, नहीं तो देश की जनता, नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगी और सबक सिखाने का काम करेगी। ये बिल्कुल किसान विरोधी और जन विरोधी ये कृषि बिल है। गब्बर यादव जी, एक सबसे अहम सवाल हम जानना चाहेंगे, जो मोदी जी छोटे छोटे घटना पर भी ट्वीट कर देते हैं, अक्षय कुमार को अपना इंटरव्यू दे देते हैं, किसान आज 13 दिनों से बैठे हैं, क्या लग रहा है मोदी जी क्यों नहीं मिल पा रहे किसानों से, मुलाकात क्यों नहीं? इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं कि वो खुद इस बिल में जो डाटा पेश है उस फंस गए हैं और वो जान गए हैं कि हमने किसानों के साथ बहुत गलत डिसीजन लिया है, वापस लेने में उनको शर्मिंदगी आ रही है। इसलिए विपक्ष हर जगह रोड पर
और विधानसभा में और लोकसभा में इस मुद्दा को जोरदार उठा रहा है, इसलिए उस शर्मिंदगी से नहीं इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको आज नहीं कल बिल वापस लेना होगा। चलिए, गब्बर यादव जी थे जो कि राजद के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और इस समय सिवान के जेपी चौक पर पहुंचे हुए हैं और ये भी भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं और भारत बंद पर लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिवान के अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के सदस्य सनौला जी हैं, क्या कुछ कहेंगे सनौला जी आज आप लोग? आज जो है भारत बंद है, पूरा भारत बंद का हम लोग समर्थन करते हैं, इसीलिए सड़क पर आए हुए हैं। सरकार जो है बिल्कुल किसी भी मामले में इतना तानाशाही हो चुकी है सरकार कि कोई भी मामला हो, कोई बिल जो है आप पे थोप दे रही है, उसके बाद सुनने के लिए तैयार नहीं है। काला कानून कोई भी, जैसे एनआरसी सीए का मामले में था, एक बार कानून आ गया देश विरोधी है, लोग सड़क पे आए, लाखों लोगों ने आंदोलन किया, सैकड़ों लोग जो है मतलब कि सैकड़ों लोगों को गोली मार दी गई सरकार के द्वारा। वही हालत है किसान बिल में, लोग जो है दिल्ली में जो है तीन किसान भाई हमारे जो मर गए ठंड की वजह से। और एनआरसी और सीए को लेकर भी आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लगभग 100 दिनों तक विरोध प्रदर्शन चला, सरकार ने तो आपकी बात नहीं सुनी, क्या लग रहा है किसान जो 13 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं सरकार इनकी बात सुन पाएगी? सरकार को बात सुनना होगा, अगर सरकार जो है बात नहीं सुनती है तो यकीन मानिए कि ये सरकार जो है बहुत जल्द जो है जाने वाली है, क्योंकि किसान को लेकर पूरा मुल्क जो है, पूरा भारत आज जो है यूनाइट होकर संगठित होकर सड़क पर उतरा हुआ है। अगर जो है बात अगर नहीं सुनी जाती है तो सारे लोग जो है दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे और सरकार चलाना मुश्किल होगा। बीजेपी मंत्री का बयान आया है कि हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग वापस नहीं लेंगे इस बिल को, हालांकि किसान लगातार धरना दे रहे, रात को कड़कड़ाती ठंड में बैठ रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह का बयान आना कैसे? अगर इस तरह का बयान है तो बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि लोकतंत्र में जो है इस तरह का बयान देना जो है लोकतंत्र के लिए घातक है। लोकतंत्र में विरोध का पूरा अधिकार है, जनता को ये अधिकार है, हमको ये अधिकार दिया हुआ है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में, अगर कोई भी किसी भी अच्छे या ख़राब कानून से, अगर किसी भी अच्छे या ख़राब कानून के हम विरोध में हैं तो हम उसके लिए जो है सड़क पर आ सकते हैं, सरकार से अपनी मांग कर सकते हैं, सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। चलिए, तो इस समय सिवान के जेपी चौक से सीधी तस्वीरें आपको भारत बंद की दिखा रहे हैं और आगे भी लगातार दिखाने का प्रयास करेंगे, ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे कौन कौन सी पार्टी है जो इस भारत बंद के समर्थन में उतरी हुई है। आपको बता दें कि जो वर्तमान सदर विधायक हैं पौध बिहारी चौधरी, वो भी इनके समर्थन में उतरे हुए हैं और अब से जल्द कुछ देर में वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, शहर में घूम रहा है, तो वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और उनसे भी बात कराने का प्रयास करेंगे।